Guys, how are you in this lockdown? I know that you are fine in this lockdown, but आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, विच इज़ नोन एज लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस हमारे NCERT की बुक का 6th चैप्टर है एंड बायो का 1st चैप्टर है। तो आइए हम लाइफ प्रोसेसेस स्टार्ट करते हैं। ओके, सो सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ ये टर्म लाइफ प्रोसेसेस होती क्या है। आखिर ये जो टर्म आप मेरे सामने देख रहे हैं, ये टर्म क्या है? आखिर क्या होती है ये लाइफ प्रोसेसेस? लाइफ प्रोसेस कुछ नहीं होती। एक तरह से मान लीजिए कि आप जो दिन भर में वर्क करते हैं सिर्फ उसे क्या बोलते हैं हम, लाइफ प्रोसेसेस। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, चार टाइप्स की लाइफ प्रोसेसेस। होती बहुत सारी है लाइफ प्रोसेसेस, सबसे बड़ी होती है रिप्रोडक्शन, इसलिए उसका एक अलग से चैप्टर बना दिया गया है और इसको इस चैप्टर में नहीं दिया गया है। पर अगर रिप्रोडक्शन को हम इस चैप्टर में पढ़ते तो हो सकता था कि वो बहुत बड़ा टॉपिक हो जाता, वास्ट टॉपिक हो जाता, इसलिए NCERT वालों ने उसको अलग से चैप्टर दे दिया है। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। सो चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले हम चैप्टर में पढ़ने वाले हैं क्या होता है लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, तो लाइफ प्रोसेसेस की रियल डेफिनेशन यहाँ है। ठीक है, लाइफ प्रोसेसेस की रियल डेफिनेशन यहाँ है, आप को नोट करना है सिर्फ इतना पार्ट। ठीक है, ये लाइन एंड ये लाइन, बस इतनी सी लाइन अगर आपने नोट कर ली तो आपका जीवन समझ जाएगा। ठीक है, बस ये जितनी लाइन में खींची है ना, सिर्फ वही नोट करनी है। ये NCERT बुक है तो आप इसको देख भी सकते हो। ओके, अगर आपने इतना देख लिया तो ठीक है। ओके, ये है आपकी डेफिनेशन। ओके, नाउ डेफिनेशन के बाद क्या आ सकता है, मैं इसको हाईलाइट भी कर देता हूँ आपके लिए। ओके, दिस इज योर डेफिनेशन ऑफ लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, चलिए अब अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। व्हाट इज व्हाट? न्यूट्रिशन। ठीक है, सबसे मेन टॉपिक है आपके इस चैप्टर का, क्योंकि इसमें तीन चीजों के बारे में बताया गया। पहला हेटरोटॉप्स, दूसरा ऑटोटॉप्स एंड तीसरा अमीबा के डाइजेशन के बारे में। ठीक है, सबसे मेन चीज अमीबा के डाइजेशन की ही है इसमें। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम न्यूट्रिशन टॉपिक। ठीक है, सो आइए हम पढ़ते हैं न्यूट्रिशन। सबसे मेन चीज़ मैंने पहले ही बता दी थी, सबसे मेन चीज़ होती है क्या हमारी बॉडी में, न्यूट्रिशन। क्योंकि जब तक हम खाएंगे नहीं और सांस नहीं लेंगे तब तक हमारे अंदर एनर्जी नहीं आएगी। कैसे नहीं आएगी मैं बताता हूँ आगे चल के। ठीक है, और मैंने आपके सामने दो टर्म रखी थी, ऑटोटॉप्स एंड हेटरोटॉप्स। ठीक है, तो वो टर्म्स का भी हम मीनिंग समझेंगे इसमें। ओके, आइए समझते हैं सबसे पहले न्यूट्रिशन क्या होता है। ठीक है, जैसे कि पहली लाइन में आप देख रहे होंगे लिखा है व्हेन वी वॉक और राइड अ बाइसिकल, मतलब जब हम बाइसिकल पे जाते हैं कहीं पे या फिर हम चलते हैं, वी आर यूजिंग अप एनर्जी। हम क्या यूज़ कर रहे हैं, एनर्जी। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि एनर्जी आती है, तो वो एनर्जी कहाँ से आती है, कैसे आती है? अब लास्ट की थर्ड लाइन देखिए, यहाँ से ये लाइन देख रहे हैं आप, ये लाइन में इसकी पूरी डेफिनेशन हो सकती है अगर आप चाहें तो। वी ऑल्सो नीड मटेरियल्स फ्रॉम आउटसाइड इन ऑर्डर टू ग्रो डेवलप सिंथेसाइज प्रोटीन एंड अदर सब्सटेंस नीडेड इन द बॉडी। द सोर्स ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल इज द फूड वी ईट। ओके, समझ रहे हैं ना थोड़ा बहुत कि ये क्या होता है, जो हमको खाना मटेरियल लगता है बाहर से। हमेशा ये याद रखना कि लाइफ प्रोसेस में जो भी चीज़ें आती हैं वो हमेशा बाहर से ही आती हैं। ठीक है, बाहर से ही चीज़ें आती हैं। ओके, ये हमेशा याद रखना। तो हम क्या कह रहे थे, बाहर से चीज़ें आई हमारे अंदर भी। ठीक है, और हमेशा एक बात याद रखना, इसको ये नहीं लिखना है, इसकी करेक्ट डेफिनेशन नहीं है ये। न्यूट्रिशन की पूरी प्रोसेस होती है, डेफिनेशन नहीं होती है, प्रोसेस होती है। ओके, प्रोसेस में हम क्या कहते हैं, खाना करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं उसको छोटे छोटे पीसेस में एंड एनर्जी बनाते हैं उससे। ठीक है, एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। जब तक एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगी जब तक हम उसको फुल न्यूट्रिशन नहीं मानेंगे। एब्जॉर्प्शन होती है इसकी लास्ट प्रोसेस। लास्ट प्रोसेस क्या होती है, एब्जॉर्प्शन। ठीक है, और एब्जॉर्प्शन के बाद जो लिक्विड होता है, लिक्विड फॉर्म कहाँ जाता है वो, और किसके थ्रू जाता है वो, कैसे जाता है, सर्कुलेटरी सिस्टम, मतलब ट्रांसपोर्टेशन से। ओके, सो ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस हम इसके बाद समझेंगे। ठीक है,
ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन हम टॉपिक इसके बाद समझेंगे। अभी हम ये समझते हैं कि हम खाना क्यों खाते हैं। आप लोगों को जैसे कि पता ही होगा कि हम ग्रो होने के लिए खाना खाते हैं, डेवलप होने के लिए खाना खाते हैं, सिंथेसाइज मतलब प्रोटीन जो हमारी बॉडी में है उसको सिंथेसाइज मतलब पचाने के लिए, एक तरह से पचाने के लिए हम खाते हैं उसको, एंड अदर सब्सटेंस। ओके ठीक है, नाउ हम चलते हैं नीचे। आइए, सो जैसे कि आप देख रहे होंगे टॉपिक का नाम अब क्या है, हाउ डू लिविंग थिंग्स गेट देयर फूड। ठीक है, ये टॉपिक है। अब इस टॉपिक में पूछा क्या गया है, कैसे लिविंग जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपना खाना कैसे लेते हैं। ठीक है, तो इसमें दो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं, पहला हेटरोटॉप्स, दूसरा ऑटोटॉप्स। ऑटोटॉप्स से समझ में आ रहा होगा कुछ, ऑटोमेटिक वर्ड याद है, ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक कैसे होते हैं, खुद से करने वाले काम। ठीक है, खुद से, तो खुद से कैसे करेगा कोई इंसान या फिर जानवर, जब तक वो खुद नहीं करेगा। मतलब आप कार बना रहे हैं तो वो आपके खुद का ऑटो हुआ ना, ऑटोमेटिक कार कैसे चलती, खुद से चलती है कि नहीं, वैसे ही होता है। ऑटोट्रॉपिक में क्या होता है, हम ये जानते हैं कि ऑटोट्रॉप्स में खाना खुद से बनता है। किसकी मदद से बनता है, फोटोसिंथेसिस की मदद से। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस इज़ द मेन थिंग इन दैट। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस से आप पूरी प्रोसेस को जान सकते हैं। ठीक है, बस वही एक प्रोसेस है जिससे जो ऑटोमेटिक होते हैं, मतलब ऑटोमेटिक एनिमल्स न्यूट्रिशन जो होते हैं, एक तरह से मैं कहूँ तो ऑटोट्रॉप्स को अगर मैं कहूँ तो ऑटोमेटिक तरीके से वो अपना खाना बनाते हैं। ठीक है, मतलब खुद से खाना बनाते हैं। ठीक है, ये हमेशा याद रखना बात को। ठीक है, क्योंकि वो अपना खाना खुद से बनाते हैं तो उनकी ज़रूरत, मतलब हमेशा वो अपना खाना खुद से बना रहे हैं। लेकिन हम जानते हैं कि हम तो अपना खाना खुद से नहीं बना सकते, मतलब हमारी बॉडी में सनलाइट जाएगी तो हम अपना खाना बना लेंगे, नहीं ना, ऐसा नहीं होता। तो इसलिए हम क्या खाते हैं, हमेशा ऑटोट्रॉप्स को खाते हैं। हाँ, जो हेटरोट्रॉप्स ऑर्गेनिजम्स है वो पूरी तरह से डिपेंड होता है ऑटोट्रॉप्स में। ठीक है, ऑटोट्रॉप्स में डिपेंड होना ही है। जैसे कि मान लीजिए हम ह्यूमन बींग है तो हम किस पे डिपेंड है, प्लांट्स का है ऑटोट्रॉप। ठीक है, और ऑटोट्रॉप्स जो होते हैं वो स्पीसीज का नाम है, बट ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ये कैसा नाम है, उनके न्यूट्रिशन का नाम है। ठीक है, तो कभी भी ऑटोट्रॉप्स एंड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में कन्फ्यूज नहीं होना है। ओके, सो नाउ जैसे कि आप लाइन देख रहे होंगे, जनरली रिक्वायर्ड फॉर एनर्जी एंड मटेरियल्स इज कॉमनली इन ऑल ऑर्गेनिजम्स। जैसे कि हम जानते हैं कि पूरे बॉडी में हमको रिक्वायर होती है किसकी, फूड की, एनर्जी की रिक्वायर होती है। ठीक है, तो हम उसको कैसे करेंगे, डाइजेशन से। डाइजेशन किस में होता है, न्यूट्रिशन में होता है, ये बात हमेशा याद रखना। आप बोलते हो ना डाइजेशन भी प्रोसेस होती है, लेकिन वो सब प्रोसेस होती है, मतलब न्यूट्रिशन के अंदर प्रोसेस आती है वो। ओके, एंड वो सिर्फ ह्यूमन में होता है, बाकी एनिमल्स में अलग अलग तरीके से होता है। जैसे कि आप ये लाइन देख रहे होंगे, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ इस लाइन को, ताकि आप अच्छे से समझ जाएं। ओके, तो इस लाइन को हाईलाइट करने के लिए अब हमको क्या करना पड़ेगा, 2 मिनट, मैं इस लाइन को हाईलाइट कर रहा हूँ आपके सामने। ओके, सी दिस लाइन। ओके, नाउ यू गेटिंग सम थिंग्स। ओके, अब आप जान रहे होंगे इनके बारे में कुछ कुछ चीज़ें, कि कैसे खाना बनता है। क्या लिखा है, अदर ऑर्गेनिजम्स यूटिलाइज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, दिस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस हैव टू बी ब्रेकन डाउन इनटू सिंपलर वंस बिफोर दे कैन बी यूज्ड फॉर द अपकमिंग एंड ग्रो ऑफ द बॉडी। ठीक है, इस लाइन में हमको यही बताया गया है कि जो हम जैसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मतलब जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को। जैसे कि हम खाना खाते हैं ना, तो एक तरह से कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है वो। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को हम अंदर जाते हैं और सिंपलर में कहते जाते हैं। जैसे कि आप लास्ट में देखते होंगे कि वो कायम हो जाता है वाटर लिक्विड मॉलिक्यूल्स में। ठीक है, तो लिक्विड मॉलिक्यूल्स में जैसे ही खाना हो गया, वैसे ही मान लीजिए कि हमारा खाना पच सकता है, मतलब हमारी बॉडी के हर एक पार्ट में जा सकता है। जैसे कि हम पानी पीते हैं तो वो कभी भी क्या एब्जॉर्ब होता है, नहीं, क्योंकि वो पहले से ही क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। ठीक है, अब ऑटोट्रॉप्स की बारी। ठीक है, ऑटोट्रॉप्स में आपको ऊपर वाली लाइन जो है वो पता चल जाएगी, इंक्लूडिंग ग्रीन प्लांट्स वाले में। ठीक है, इंक्लूडिंग ग्रीन प्लांट्स कौन से होते हैं, मतलब प्लांट्स। ओके, और कुछ कुछ एल्गिया और बैक्टीरियाज भी होते हैं जो इस मोड को अप्लाई करते हैं। ठीक है, सी दिस लाइन, सम ऑर्गेन, 2 मिनट्स। या सो अभी मैंने किसको हाईलाइट किया, आप लोगों ने देखा,
मैंने हाईलाइट किया सम ऑर्गेनिज्म यूज सिंपलर फूड मटेरियल्स टू ऑब्टेन फ्रॉम इनऑर्गेनिक सोर्स. मतलब इन ऑर्गेनिक सोर्स क्या होगा, जैसे कि सनलाइट है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, जैसे कि इसमें लिखा ही अगले पैरा में कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है, ये भी एक आता है उसी में, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन भी उसी में आता है. और अब देखिएगा, अब हम पढ़ने जाते हैं एग्जाम्स के बारे में, ठीक है. एग्जाम्स उसी की नीचे वाली लाइन में लिखा है. एग्जाम्स का मतलब क्या होता है, जो ऐसे मॉलिक्यूल्स, ऐसे चीज़ें, ऐसे केमिकल्स जो हमारे खाने को पचाने में काम आए, उसको कहते हैं हम एंजाइम्स, ठीक है. देखिए उसके नीचे वाली लाइन में ही लिखा है, मैं उसको हाईलाइट कर देता हूँ अलग कलर से. ओके, डोंट फॉरगेट, आई विल नॉट फॉरगेट दिस, ठीक है. 2 मिनट्स See this. Enzymes. Okay, this is the line which I want to show you. Okay, so इस लाइन में क्या लिखा है आपको दिख ही रहा होगा, जैसे कि इस लाइन में लिखा है अचीव द ऑर्गेनिजम्स यूज बायोकैस्टिक्स कॉल्ड एंजाइम्स. बायोकैस्टिक मतलब यही होता है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको छोटे छोटे पीसेज में बांटने के लिए किसका यूज होता है, एंजाइम्स का, ठीक है. नाउ अब हम अपना क्या शुरू करते हैं, ऑटोट्रॉप्स न्यूट्रिशन. सो मैं इस टॉपिक के बारे में आपको थोड़ा बहुत ओवरव्यू दे सकता हूँ. जैसे कि हम जानते हैं कि प्लांट अपना फूड कैसे बनाते हैं. प्लांट अपना फूड बनाते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से. फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या क्या होता है ये आप जानते ही हैं, 6th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेसेस, ठीक है. तो वही है इसमें पूरे में, क्योंकि हम जो फूड खाते हैं वो तो हम प्लांट से लेके खाते हैं, बट प्लांट्स अपना खुद फूड खुद बनाते हैं, ठीक है. तो आइए हम जानते हैं इस प्रोसेस के बारे में थोड़ा बहुत, ठीक है. अगर समझ में ना आए तो भी समझने की ट्राई कीजिएगा, क्योंकि बायो इज़ द वेरी गुड सब्जेक्ट, क्योंकि उसमें हम खुद के बारे में पढ़ते हैं. ओके, सो खुद के बारे में पढ़ने से आपको बहुत अच्छा फील होता है, ठीक है, फील गुड, सो एवरीथिंग इज़ क्लियर. मेरा मानना तो यही है, आपका जो भी हो आप देख लीजिएगा. सो देखिए इसमें फर्स्ट लाइन में लिखा है कार्बन एंड एनर्जी रिक्वायर्ड ऑफ द ऑटोट्रॉप्स ऑर्गेनिजम्स आर फुलफिल्ड बाय फोटोसिंथेसिस. देखा पहली लाइन में लिखा है फोटोसिंथेसिस के बारे में. इसके लिए अगर आपको जानना है तो फोटोसिंथेसिस की पूरी प्रोसेस होती है, बहुत बड़ी सी प्रोसेस, बहुत बड़ी तो नहीं लेकिन हाँ 10th क्लास में एकदम छोटी सी है, ठीक है. मैं आपको छोटे से में समझा सकता हूँ, शॉर्ट में एकदम. फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, जो प्लांट की लीव्स होती हैं वो लाइट लेती हैं, लाइटली उन्होंने कैसे अब्सॉर्ब किया, क्लोरोफिल से. अब मान लीजिए ये लाइट गई क्लोरोफिल में, ठीक है, क्लोरोफिल में लाइट चली गई, अब क्लोरोफिल ने उसको बंद कर लिया, ठीक है, लाइट को बंद कर लिया. अब कार्बन डाइऑक्साइड आई, कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट दोनों एक साथ हुई, ठीक है ना, तो दोनों जाके बंद हो गई, ठीक है. अब वाटर कहाँ से आया, रूट से. कैसे आया, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस मतलब सक्शन पुल से, ठीक है. तो लीफ तक आया, अब वाटर को उन्होंने खाना बना लिया, ठीक है, दोनों मिक्स हो गए, ठीक है. अब इसमें क्या है, वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है और सनलाइट है, ठीक है. सनलाइट में क्या होती है, हीट एनर्जी होती है, ठीक है. अब हीट से क्या होता है, खाना पूरा मिक्स हो जाता है, ठीक है. मान लीजिए ये एक अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है, ये वाटर है, ठीक है, मतलब CO2 एंड H2O का मिलन वो हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है, ठीक है. इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है. आगे वाली लाइन में लिखा भी है कि रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है, ठीक है. हमेशा हर एक चीज़ को, हम हो या फिर प्लांट हो, उनको हमेशा कार्बोहाइड्रेट्स में ही खाना पचाना पड़ता है, ठीक है. तो इसलिए उसको कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए क्या करते हैं, प्लांट्स सनलाइट को लेते हैं, मतलब वाटर और सनलाइट को लेते हैं, ठीक है. उससे क्या प्रोड्यूस होता है, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट उससे प्रोड्यूस होता है. जैसा कि आप देख रहे होंगे, 2 मिनट में उसको हाईलाइट भी कर देता हूँ आप लोगों के लिए, हाईलाइट नहीं इस बार मैं पेन चलाता हूँ, ठीक है. तो देख रहे होंगे आप लोग लाइंस, अब मैं लाइंस पढ़ पढ़ के बता रहा हूँ आपको, ताकि आपको ज़्यादा क्लियर हो जाए. इट इज़ द प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रॉप्स टेक्स इन सब्सटेंस फ्रॉम द आउटसाइड. जैसे कि मैंने पहले बताया था कि हर एक लाइफ प्रोसेस में हम चीज़ें बाहर से लेते हैं और अंदर जाते हैं, या फिर बाहर से अंदर निकालते हैं, जैसे कि एक्सक्रीशन. एक्सक्रीशन में हम क्या करते हैं, अंदर से बाहर निकालते चीज़ों को, वेस्ट मटेरियल्स को बाहर निकालते हैं, तो वो भी काम आती है लाइफ प्रोसेस में, ठीक है. तो क्या लिखा है इसमें, इन दिस प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रॉप्स टेक्स इन सब्सटेंस फ्रॉम द आउटसाइड एंड कन्वर्ट देम इनटू स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी. स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी को क्या बोलते हैं हम, ATP. ATP याद रखना ये फॉर्म, ठीक है. ATP के फॉर्म में ही हर एक एनिमल या फिर प्लांट अपनी एनर्जी को स्टोर करता है. और मैं आपको बता दूँ कि हर एक जो स्टोर्ड चीज़ होती है वो कहाँ जाती है, वैक्यूल्स में, ठीक है. अमीबा भी हम पढ़ेंगे कि जितनी भी फूड है वो स्टोर्ड होकर कहाँ जा रहा है, कहाँ जाता है, किसी को पता है नहीं, हाँ तो मैं बताता हूँ,
वो कहाँ जाता है? वैक्यूल्स में, ठीक है। क्या आप गैस कर सकते हैं कभी कि वैक्यूल्स कितने बड़े हो सकते हैं प्लांट्स के? जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि प्लांट्स के जो वैक्यूल्स होते हैं वो बड़े होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उनमें एनर्जी ज़्यादा स्टोर होती है, उनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, ठीक है। तो आइए अगली लाइन पढ़ते हैं। दिस मटेरियल इज ऑल्सो टेकन इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर विच इज कन्वर्टेड इन टू कार्बोहाइड्रेट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। मैंने बताया था ना आप लोगों को कि क्लोरोफिल में जाता है, उसके बाद सनलाइट की वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है वो मिक्स होकर क्या बना लेते हैं? कार्बोहाइड्रेट बना लेते हैं, ठीक है। नाउ कार्बोहाइड्रेट आर यूटिलाइज फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द प्लांट, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट जो है ये लाइन, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट आर यूटिलाइज, ये लाइन को देखना है बस आपको। किस लाइन को? इस लाइन को, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट आर यूटिलाइज फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी टू प्लांट्स, ठीक है, यूटिलाइज होता है उसके लिए, ठीक है, यूटिलाइज होता है। हमारी बॉडी में क्या होता है ऑटोट्रॉप्स में क्या होता है, किसको पता है? मैं बताता हूँ, ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, केमिकल फॉर्मूला C6H12O6। ओके, याद रखना ये फॉर्मूला, बहुत काम आता है, ठीक है। आप लोग इसको अपनी बुक में जरूर देखिएगा, ठीक है। ये लाइन बहुत मेन से, ठीक है। नेक्स्ट अब हम पढ़ने जा रहे हैं, देखिए ये टॉपिक बहुत ज़्यादा वास्ट है। इसके बारे में अगर आप बायो लेते हैं 11th में और 12th में, और अगर इसके ऊपर PhD करते हैं, तो बहुत बड़े लेवल पे आपको काम आता है ये चीज़, ठीक है। नाउ आई रीड समथिंग, ठीक है। वी विल स्टडी हाउ दिस टेक प्लेस इन द नेक्स्ट सेशन, नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, लेकिन हम अभी इसी सेशन में देखेंगे। द कार्बोहाइड्रेट विल विच आर नॉट यूज इमिडिएटली आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। स्टार्च में जरूर होता है, लेकिन कहाँ होता है स्टोर्ड? स्टोर्ड कहाँ होता है? कहाँ होता है? वैक्यूल्स में होता है, ठीक है। वैक्यूल्स में स्टार्च के रूप में भी स्टोर्ड हो रहा है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि हम जो कहते हैं, देखिए ये ग्लूकोज के बारे में भी लिखा है इसमें कुछ कुछ चीज़ें, ठीक है। हाँ तो ये रही वो लाइंस, ये लाइंस बहुत ज़्यादा मेन है, तो आप इन लाइंस को कभी मत भूलिएगा, ठीक है। क्या लिखा है? द कार्बोहाइड्रेट विच आर नॉट यूज इमीडिएटली आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। स्टार्च के फॉर्म में तो होता है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट होता है, नॉट एनर्जी। ये हमेशा कन्फ्यूजिंग होता है, लेकिन नहीं होना चाहिए इसमें कन्फ्यूज। कार्बोहाइड्रेट स्टार्च, ठीक है, एनर्जी ATP, ठीक है। ATP पी दिख रहा है ना, पावर, याद रखना एनर्जी पावर, ठीक है। विच सर्व्स as the internal energy reserves to be used as and when required by the plants. A somewhat similar situation is seen in us, where some of the energy reserves from the food we eat is stored in our body in the form of glucose. मैंने आपको बताया था कि glucose के form में हमारे अंदर होता है, मतलब hot tops में होता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको पहले बता दिया था, ठीक है। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। सो जैसा कि आपको दिख रहा होगा ग्लूकोज का चीज़, ठीक है, वो बहुत मेन चीज़ है, ठीक है। मैं इसको बड़ा कर देता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से दिख जाए एंड मैं एक्सप्लेन कर सकूँ, ठीक है। दो मिनट बस मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, मैं भी करता हूँ। सी दिस, दिख रहा है आपको कुछ? मैं अपनी फोटो को उतार देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, देखिए क्या लिखा है। पहला कंपाउंड क्या है? 6 बैलेंसिंग में पढ़ा होगा आपने, 6CO2, ठीक है। ये आप, इसके लिए आपको बैलेंसिंग सीखनी पड़ेगी। तो इसके लिए सबसे पहले आप क्या सीखिए, केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन, उसकी वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें बहुत काम आने वाली है इस रिएक्शन में, ठीक है ना। और आगे भी बहुत काम आती है, वो बहुत वास्ट टॉपिक है, वो भी बहुत वास्ट टॉपिक है। अब आपको लग रहा होगा कि मैं हर चीज़ वास्ट बोल रहा हूँ, हाँ तो हर चीज़ वास्ट ही होती है। आप उसके बारे में अगर देखेंगे ना, तो आपको बहुत कुछ मिलेगा, बहुत कुछ मिल जाएगा। अब 2-6, अब आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ 2 क्यों लिया है, सिर्फ 2 ही क्यों लिया है, सिर्फ ये क्यों लिया है, इसमें 6 क्यों नहीं लिया?
बैलेंस करने के लिए। देखिए आपको बैलेंस करना आना ही चाहिए। और ये क्या बना रहा है, ये क्या है, ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज है, ठीक है, क्या है ये, ग्लूकोज है, ग्लूकोज, ठीक है। ग्लूकोज हमेशा मतलब इन द फॉर्म ऑफ, इसके फॉर्म में ही रहता है हमेशा। दो मिनट, ठीक है, ग्लूकोज हमेशा किसके फॉर्म में ही रहेगा, C6H12O6, ठीक है। और अब देखिए, जैसे कि मान लीजिए दो कंपाउंड हो रहे हैं, ठीक है, इस रिएक्शन को क्या कह सकते हैं हम, कितने रिएक्शन कह सकते हैं, पहला कंबाइनिंग रिएक्शन, ठीक है, दूसरा एक्सोथर्मिक, हीट ले रहा है इसलिए एक्सोथर्मिक, सॉरी एंडोथर्मिक, हीट ले रहा है एंडोथर्मिक, ठीक है, अब एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, देन रिडॉक्स, ऑक्सीजन क्या हो रहा है, मिक्स हो रहा है इसलिए रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। मैं आपको केमिस्ट्री भी पढ़ा रहा हूँ इसके साथ साथ, ये देख लीजिए, ठीक है, ये एनसीईआरटी की बुक में बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, तो आप एक बार एनसीईआरटी की बुक पढ़ भी लीजिएगा, क्योंकि एनसीईआरटी की बुक में बहुत कुछ है इसके बारे में, ठीक है। इसमें तो मैं शॉर्ट में भी नहीं समझा रहा हूँ, मैं पूरे ही समझा रहा हूँ आपके सामने, ठीक है, तो आप लोग इस पे ध्यान जरूर दीजिएगा, ठीक है, ध्यान जरूर दीजिएगा इन सब टॉपिक्स पे, ठीक है। लेट अस स्टार्ट आवर टॉपिक, मतलब फोटोसिंथेसिस क्या होती है, एब्जॉर्ब ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। फर्स्ट क्या होता है, आपको ये प्रोसेस पता भी होगी, जैसे कि सबसे पहले क्या होता है, एनर्जी और लाइट एब्जॉर्ब होती है, मैंने बता भी दिया पहले से कि लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, देन कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। देखिए हमारी बॉडी में या फिर प्लांट की बॉडी में जब भी कोई एनर्जी जाती है तो हमेशा किसके फॉर्म में जाती है, केमिकल के फॉर्म में। नर्व इम्पल्स जो होती हैं हम पढ़ेंगे उसको कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल में, मतलब कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में, कि हमारी जो नर्व्स होती हैं वो भी क्या ले जाती हैं, सिर्फ और सिर्फ केमिकल केमिकल एनर्जी को ले जाती है, ठीक है, मतलब केमिकल इम्पल्स को ले जाती है। हमारी बाहर से क्या आती है, हीट इम्पल्स या फिर किसी की भी इम्पल्स आती है, लेकिन हमारे अंदर क्या ले जाती है, इलेक्ट्रिक इम्पल्स, और इलेक्ट्रिक इम्पल्स भी हमेशा केमिकल के फॉर्म में ही जाएगी, ठीक है ना, ये मत सोच लीजिएगा कि इलेक्ट्रिक के फॉर्म में जाएगी, जाएगी तो वो केमिकल के फॉर्म में ही जाएगी जब तक ब्रेन में पहुँचेगी। जैसे ही ब्रेन में पहुँची, मान लीजिए ये नर्व से जा रही है, नर्व तक तो वो कायम रहेगी इलेक्ट्रिक में, मान लीजिए एक नर्व है इस तक, मान लीजिए एक नर्व है, ठीक है, इस जब तक वो इस पर रहेगी जब तक कायम होगी इलेक्ट्रिक में, लेकिन जैसे ही मान लीजिए यहाँ गैप्स मतलब साइनेप्स में आई या फिर लास्ट में पहुँच गई, मान लीजिए लास्ट, ठीक है, यहाँ से ब्रेन स्टार्ट हो रहा है, तो जैसे ही यहाँ पे पहुँची ना, ये यहाँ पे पहुँचेगी, वैसे ही कायम केमिकल में हो जाएगी कन्वर्ट, ठीक है, केमिकल में कन्वर्ट हो जाएगी। एंड स्प्लिट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, मतलब मान लीजिए हीट एनर्जी पड़ती है, मान लीजिए हीट एनर्जी पड़ रही है, लाइट नहीं पड़ रही, हीट पड़ रही है, तो हीट कायम चेंज हो जाएगी, हीट कायम चेंज हो जाएगी, क्या सोचते हो आप, हीट चेंज हो जाएगी लाइट में, ठीक है, लाइट में लाइट जैसी होगी ना वो हीट में चेंज हो जाएगी और काय को ब्रेक कर देगी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को वाटर में से, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, वाटर, और जैसे उनको अलग कर देंगे वैसे क्या बन जाएंगे, फिर से हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। नाउ रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट, रिडक्शन मतलब ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड में जुड़ रहा है और हाइड्रोजन जुड़ रहा है, तो रिडक्शन होगा और ऑक्सीडेशन भी होगा, और ये हमेशा याद रखना, मैं आपको केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर भी पढ़ा रहा हूँ थोड़ा बहुत, ठीक है, तो जैसे ही रिडक्शन होगा वैसे ही ऑक्सीडेशन भी होगा, जिसकी वजह से क्या बन जाएगा, रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन टर्म याद रखना, रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। एक बार डायग्राम पे भी नज़र डाल लेते हैं, क्या दिख रहा है इस डायग्राम में, ये क्या क्या चीज़ें दिख रही है, पहली चीज़ तो ये दिख रही होगी, ये चीज़, दूसरी ये चीज़, ठीक है, तीसरी ये चीज़। अब फ्लोयम जाइलम, ये तो आपने सुनी होगा, एक फूड को ले जाता है और एक काय को ले जाता है, काय को ले जाता है, वाटर को, ठीक है। वेंस, हमारी बॉडी में वेंस होती हैं, होती है ना, वैसे ये वाली वेंस नहीं है, अब पहले वेनेशन और ये वाली सुनी होगी ना, ये वो है, ठीक है, आइए पढ़ते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे, कुछ भी डाउट हो कमेंट सेशन में जरूर पूछ लीजिएगा मुझसे, ठीक है। ना हम आगे बढ़ते हैं काय पे, सेकंड स्टेज, दो मिनट में इधर कर लेते हैं, हाँ ठीक है। नाउ अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे नीचे का टॉपिक, अगला टॉपिक, मतलब दिस स्टेप्स नॉट डिड नॉट नीड टेक प्लेस वन आफ्टर अनदर इमिडिएटली, मतलब ये स्टेप्स जो होती हैं प्लांट में वो एक के बाद एक नहीं होती है, थोड़ी थोड़ी देर से होती है, मतलब जैसे कि वाटर आया नीचे से, और वाटर आने में कभी कभार देर भी हो जाती है,
तो उसकी वजह से कुछ मतलब एनर्जी तो होनी चाहिए ना प्लांट में, इसलिए स्टोर भी होती है और इसके साथ साथ एक के बाद एक प्रोसेस नहीं होती है। फॉर एग्जांपल जैसे कि उसके एग्जांपल भी लिखा है, डेजर्ट प्लांट जो होता है टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट, नाइट में कार्बन डाइऑक्साइड लेता है एंड प्रिपेयर एन इमीडिएट फूड इन डे। ठीक है, मतलब डे में जो है वो अपना खाना मतलब लाइट डे में ही ऑब्जर्व करेगा वो, इसलिए दिन में ही अपना खाना भी बनाता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड भले ही से रात में ले लेकिन खाना कब बनाएगा, सुबह। ठीक है, इसलिए मतलब इमीडिएट एक्शन नहीं होता कभी कभार, किसी किसी चीज में शांत रहना भी अच्छी बात होती है। ठीक है, इसलिए शांति करके रखना चाहिए आप लोगों को भी। ये तो फालतू का है। ठीक है, अगला देखते हैं। जैसे कि रिएक्शन तो नेसेसरी है, आपने जैसे कि मैंने बता ही दिया था कि रिडॉक्स रिएक्शन होता है, कंबाइनिंग रिएक्शन होता है, बहुत सारे रिएक्शन होते हैं फोटोसिंथेसिस में। ठीक है, मैंने बता दिया था ये टॉपिक। इफ़ यू केयरफुली ऑब्जर्व एन क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ अंडर द माइक्रोस्कोप यू विल नोटिस दैट सम सेल्स कंटेन ग्रीन डॉट्स। ग्रीन डॉट्स याद है कुछ? ग्रीन डॉट्स याद आ रहा है सेल्स में, प्लांट सेल्स में, लास्ट ईयर पढ़ा था, याद आ रहा है? क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर का होता है। हाँ, होता है कि नहीं? होता है। ठीक है, अभी आप देखना इसमें क्या लिखा है। दिस ग्रीन डॉट्स आर सेल ऑर्गेनेल्स कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट विच कंटेन्स क्लोरोफिल। समझे ना, नाइन्थ में पढ़ा था। लेट अस डू एन एक्टिविटी विच डेमोन्स्ट्रेट दैट। चलिए आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, एक्टिविटी पढ़ना एंड बताना मुझे, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। आइए आगे बढ़ते हैं, आपका होमवर्क है, ठीक है ना, बताना जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में। रुक जाइए। हाँ देखिए, आप लोगों ने प्लांट अगर आपने देखा स्टोमेटा का डायग्राम, तो ये रहा स्टोमेटा का डायग्राम। ठीक है, क्या क्या है इसमें? गार्ड सेल है, दिख रहा है गार्ड सेल? कि मैं दिखाऊँ? मैं दिखाता हूँ, ये मेरा फर्स्ट बनता है दिखाना। ठीक है, आइए देखते हैं गार्ड सेल को देखते हैं। आइए, सॉरी मैंने तो क्रॉस ही कर दिया। ये रहा गार्ड सेल, दिख रहा है गार्ड सेल? यही है। कौन सा है? ये पार्ट। ठीक है, दिख रहा है? मतलब ये पूरा ही है वैसे तो, गार्ड सेल ये पूरा ही है, बट एक तरह से हम मान ले जाए तो ये सिर्फ तक जो गोल गोल सा हिस्सा दिख रहा है ना आपको, वही है गार्ड सेल। ठीक है, गार्ड सेल, गार्ड क्या कहते हैं? सोल्जर लोग क्या कहते हैं काम? उसको प्रोटेक्ट करने का, ये भी कुछ ऐसी करेगा। ठीक है, आगे पढ़ेंगे, थोड़ी देर शांति रखो। अब स्टोमेटा पोर, पोर पोर से कुछ समझ में आ रहा है? हमारी बॉडी में पोर होते हैं, पोरस, छेद, छोटे छोटे, आया समझ? क्लोरोप्लास्ट, सुना है? अभी हाल बताया। ग्रीन डॉट्स आर कॉल्ड व्हाट? क्लोरोप्लास्ट आर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, याद रखना। समझ में आया कि नहीं आया? आया हो तो, नहीं आया हो तो, ठीक है, आइए चलते हैं हम अपने आगे टॉपिक में। लेट अस स्टडी हाउ द प्लांट ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड इन क्लास नाइन्थ से टॉपिक लिया गया। ठीक है ना, टेंथ में हमेशा नाइन्थ के आगे का पढ़ाया जाता है, नाइन्थ या फिर एट्थ, मतलब पिछली क्लासेस से आगे का बताया जाता है। ठीक है, सो वी हैड टॉक्ड अबाउट स्टोमेटा, एक्टिविटी जरूर पढ़ लेना, मेन होती है एक्टिविटी के। ठीक है, होमवर्क है आपका, मैं आपको समझा तो दूंगा। वी हैड टेकन स्टोमेटा, ठीक है, विच आर टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ द लीव्स। आपने देखा होगा, जैसे कि आपने सिक्स्थ में भी पढ़ा होगा कि लीफ है ना, उसके छोटे छोटे पोर होते हैं, पीछे साइड होता है हमेशा पोर, कभी भी सामने तरफ पोर नहीं होंगे, जो रफ साइड होती है ना उसमें पोर्स होते हैं। ठीक है, आप सोच रहे होंगे उसमें लाइट कैसे जाती है, लाइट ऊपर से जाती है, लेकिन जाती कहाँ है? नीचे की तरफ। ठीक है, कभी भी ऊपर की तरफ लाइट नहीं जाएगी, एब्जॉर्ब भले से ऊपर हो लेकिन जाएगी कहाँ? नीचे। क्या लिखा है? मासिव अमाउंट ऑफ गैसेस एक्सचेंज टेक्स प्लेस इन दिस लीफ, नॉट गैस एक्सचेंज ऑल्सो, मतलब गैस एक्सचेंज तो होती है, साथ ही साथ वाटर का बाहर निकलना भी इसी से होता है। समझ रहे हो कुछ? ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के बारे में बता रहा हूँ मैं, ट्रांसपिरेशन याद रखना, ट्रांसपिरेशन है। ठीक है, हाँ, थ्रू दिस पोर्स फॉर द पर्पस ऑफ फोटोसिंथेसिस। किसके पर्पस से? फोटोसिंथेसिस के पर्पस से। ठीक है, फोटोसिंथेसिस बहुत बड़ी प्रोसेस है प्लांट के लिए। ठीक है, अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो वो खाना कैसे बनाएगा? ठीक है, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट
एक्सचेंज ऑफ गैसेस ऑकर्स अक्रॉस द सरफेस ऑफ स्टेम, क्या लिखा है, स्टेम रूट्स एंड लीफ एज वेल, मतलब एक्सचेंज जो होता है गैसेस का वो किस किस के सरफेस पे होता है, स्टेम के, रूट के एंड लीफ के, बताता हूँ कैसे। मान लीजिए जो नाइट्रोजन है वो कहाँ से जाएगी, रूट से, कहाँ से जाएगी, रूट से जाएगी ना, और मान लीजिए ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कहाँ से आएगी, लीफ से आएगी ना, ठीक है। सिंस लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कैन ऑल्सो बी लॉस्ट थ्रू द स्टोमेटा, लार्ज अमाउंट ऑफ, आपने सुना होगा ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस में बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ, मतलब अगर प्लांट इतना ले रहा है ना, मान लीजिए इतना ले रहा है प्लांट, ठीक है, इतना ले रहा है तो इतना कम से कम उसका निकल ही जाएगा पार्ट, मतलब इतने में से कितना, इतना पार्ट जो है वाटर का निकल जाता है, बस इतना सा यूज़ होता है पार्ट, ठीक है, इतना सा पार्ट कितना होता है यूज़, मतलब इतना मेरी आँखों जितना, ठीक है। द प्लांट क्लोज दियर पोर्स व्हेन इट इज, अच्छा इसके लिए आपको ऑस्मोसिस प्रोसेस समझनी होगी, क्या समझनी होगी, ऑस्मोसिस प्रोसेस, नाम लिख देता हूँ, ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस नाम सुना है, ऑस्मोसिस प्रोसेस का, ऑस्मोसिस प्रोसेस का नाम सुना है, सुना है किसी ने नाम इस प्रोसेस का, चलो मैं बता देता हूँ। ऑस्मोसिस प्रोसेस में क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन जहाँ ज़्यादा होता है उससे लो कॉन्सेंट्रेशन में जाता है, ठीक है। मान लीजिए बताता हूँ अभी, दो मिनट बता रहा हूँ, ठीक है, मान लीजिए, रुक जाइए, मान लीजिए ये जो घाट सेल है, ठीक है, इसके बाहर का जो वाटर है, वाटर मैं बना देता हूँ येलो कलर से, ठीक है, समझ जाना, वाटर जो है मान लीजिए वो पानी का मॉलिक्यूल है, ठीक है, बड़ा सा मॉलिक्यूल है, ठीक है, इसका क्या कॉन्सेंट्रेशन, पीले कलर से जो है वाटर का कॉन्सेंट्रेशन इस रेड कलर के कॉन्सेंट्रेशन से ज़्यादा है, तो पानी किस हो जाएगा, अंदर की ओर, अंदर की ओर जाएगा, रुक जाइए, ब्लैक कलर से बता देता हूँ, अंदर की ओर जाने का इशारा, ठीक है, कहाँ जाएगा, अंदर की ओर जाएगा प्लांट का पानी। अब जब अंदर की ओर जाएगा तो जो ये है क्या है, स्टोमेटा जो है, स्टोमेटा जो है वो स्वेल अप हो जाएगा, स्वेल अप हो जाएगा, ऐसा बड़ा बड़ा हो जाएगा, समझ रहे हो, बड़ा हो जाएगा एक तरह से, ठीक है। और मान लीजिए अंदर का, मान लीजिए अब ये पानी जो है, बता देता हूँ, अब ये पानी जो है, ये जो पानी है, मान लीजिए यहाँ काला काला ये पानी आ गया, ठीक है, मान लीजिए काला काला जो है पानी आ गया, ठीक है, मान लीजिए अब ये जो पानी है, ये जो पानी है इसके अंदर का कॉन्सेंट्रेशन अब इस पीले कलर के पानी से, इस पीले कलर के पानी से ज़्यादा हो गया, ठीक है, तो अब ये कहाँ जाने लग जाएगा, धीरे धीरे करके बाहर की तरफ, बाहर की तरफ जाने लग गया। अब अगर बाहर की तरफ ये पानी जा रहा है, ठीक है, तो अंदर का पानी, अंदर जो पानी है, दो मिनट, हाँ, अंदर जो पानी, मान लीजिए लाल कलर का जो अंदर में पानी बचा है, मतलब उसमें जो पानी था काले कलर का वो अब किस कलर का हो गया, लाल कलर का, जो पानी था वो कहाँ गया, बाहर चला गया था, और अब सिर्फ जरा जरा सा पानी बचा है, क्योंकि बाहर का कॉन्सेंट्रेशन क्या था, ज़्यादा था, ज़्यादा था ना, बस पानी बाहर चला गया, ठीक है। जो जैसे ही पानी अंदर था वैसे क्या हो गया, स्वेल हो गया, जैसे पानी बाहर, अंदर से बाहर निकल गया वैसे क्या हो गया, श्रिंक हो गया, चपटा हो गया, ठीक है। मान लीजिए, मान लीजिए अभी ऐसा सेल है, ठीक है, कैसा भी सेल मान लीजिए, ऐसा है गार्ड सेल, कैसा है, ऐसा, ठीक है, ऐसा है, मान लीजिए पानी यहाँ से घुसा, कहाँ से घुसा, यहाँ से घुसा, ठीक है, पानी यहाँ से घुसा, पानी यहाँ से घुस गया, तो क्या हो जाएगा, स्वेल हो जाएगा। अब पानी जैसे बाहर निकला वैसे क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, ठीक है। तो वैसे यहाँ पे भी होगा कुछ। अब जो काला और पीला पानी है, काला और पीला जो पानी है, अब वो कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, ठीक है, पूरा पानी बाहर आ जाएगा, ठीक है। मैं इसको अभी ऐसे एक समझाने के लिए बता देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। पहले क्या हुआ, ऑस्मोसिस प्रोसेस में बाहर का जो पीला पानी था उसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा था, तो वो कहाँ चला गया, अंदर की साइड, ठीक है। अब अंदर की साइड जब वो पानी अंदर गया तो अंदर का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया, बढ़ गया, अंदर का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, अंदर प्रेशर ज़्यादा बना तो वो बाहर निकला है पानी, और बाहर निकला है तो क्या हुआ, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस,
ठीक है, ये हमेशा याद रखना, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस होगी, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया था, बाहर आ गया पानी, ठीक है, कहाँ आ गया, बाहर आ गया पानी, बाहर आ गया पानी, ठीक है, यहाँ पर पूरा पानी क्या आ गया, बाहर आ गया। ऐसे दिन भर प्रोसेस चलती रहती है। लेकिन ये पानी जो है, मैं बता देता हूँ क्या होता है इस पानी का। मान लीजिए ये जो पानी है इस पर सनलाइट पड़ रही है, ठीक है, सन ग्रीन कलर का होता है आजकल, ठीक है, मान लीजिए सनलाइट पड़ रही है इस पर, ठीक है, तो इससे पानी जो है वो इवोपरेट हो जाएगा, इवोपरेट हो जाएगा, ठीक है। जितना पानी इवोपरेट होगा उतना कम होता जाएगा पानी। अब पानी कम कम होते होते धीरे धीरे पानी पानी कैसा हो जाएगा, पानी हो जाएगा कम कम, ऐसे ऐसे हो जाएगा, ठीक है, पानी कैसा हो जाएगा ऐसा, ठीक है, धीरे धीरे कम होता जाएगा पानी। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो लिखा होगा, देखो लिखा है, मैं हाईलाइट कर देता हूँ उस लाइन को जितने में लिखा है, ठीक है, सिंक वाला पार्ट। द गार्ड सेल स्वेल व्हेन वाटर फ्लोज इन टू देम। मैंने बताया जैसे पानी अंदर जाता है वैसे क्या हो जाता है, श्रिंक हो जाता है। कैसा हो जाता है, श्रिंक हो जाता है। और जैसे पानी अंदर से बाहर आ जाता है वैसे ही कम हो जाता है। हाँ, और एक बात, जैसे ही पानी अंदर जाता है, जैसे ही पानी अंदर जाता है वैसे जो गार्ड सेल है वो खुल जाते हैं। क्या हो जाते हैं, खुल जाते हैं। स्टोमेटा जो है वो पूरा खुल जाता है, जिससे पानी जो है वो जल्दी से बाहर चला जाता है। सिमिलरली द पोर सॉरी हाँ द पोर दो मिनट सिमिलरली द पोर क्लोज इन द गार्ड सेल सिंक, ठीक है। जैसे पोल बंद, मतलब मान लीजिए बाहर का प्रेशर बढ़ा, पहले तो खुल गया, पूरा पानी बाहर चला गया। पानी बाहर जाने के बाद क्या हुआ, अंदर का पानी पूरा ख़त्म हो गया। अंदर पूरा ख़त्म हो गया तो कैसा हुआ, चपटे हो गए, ठीक है। आगे बढ़ते आइए। आइए आगे बढ़ते हैं। एक्टिविटी आपको खुद पढ़नी, होमवर्क दिया याद है ना, एक्टिविटी, ठीक है। बेस्ड ऑन द टू एक्टिविटीज, पहले एक होमवर्क दी थी, अब एक होमवर्क दी है, कमेंट में जरूर बताना एक्टिविटी में क्या था, ठीक है। एक्टिविटी परफॉर्म अबव, कैन वी डिज़ाइन एन एक्सपेरिमेंट टू डेमोन्स्ट्रेट दैट सनलाइट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। एक्सपेरिमेंट करके जरूर देखिएगा, ठीक है। साइंस एग्जीबिशन में बता सकते हैं आप, ये आइडिया मिल गया, ठीक है। सो फार वी हैव टॉक्ड अबाउट हाउ ऑटोट्रॉप्स मीट देयर एनर्जी रिक्वायर्ड, बट दे ऑल्सो नीड अदर रॉ मटेरियल फॉर बिल्ड देयर बॉडी। प्लांट को सिर्फ सनलाइट की तो जरूरत होती नहीं है, ऑक्सीजन की जरूरत होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है, न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, नाइट्रोजन की जरूरत होती है, फॉस्फोरस की जरूरत होती है, आयरन की जरूरत होती है, मैग्नीशियम की जरूरत होती है, एंड काफ़ी सारे मिनरल्स की जरूरत होती है सॉइल से, ठीक है। आइए मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ क्या क्या की जरूरत होती है। वाटर की भी जरूरत होती है एक्स्ट्रा में, ठीक है। वाटर यूज इन फोटोसिंथेसिस टेकन अप फ्रॉम द सॉइल बाय द रूट्स इन टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। अब एक्वाटिक प्लांट्स होंगे तो उसमें तो पानी नीचे रहेगा ना, तो वो एब्जॉर्ब क्यों करेंगे, सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं पानी, इसलिए टेरेस्ट्रियल प्लांट का होना जरूरी है, ठीक है। बाकी एक्वाटिक प्लांट के पास तो बहुत सारा पानी रहता है, उनको क्या जरूरत है इतने पानी की, वो तो और खुशी से मस्त होते हैं, ठीक है। मैं हाईलाइट कर देता हूँ एक बार फिर से कैसे, दो मिनट, हाँ आई एम हाईलाइटिंग, प्लीज पे अटेंशन ऑल, या आई एम हाईलाइटिंग दिस, दिस पार्ट इज मेन, सो आई एम हाईलाइटिंग ओनली दिस पार्ट, ठीक है। ये ठीक है, क्या लिखा है एक बार पढ़ भी लेते हैं। वाटर यूज इन फोटोसिंथेसिस टेकन अप फ्रॉम द सॉइल बाय द रूट्स इन टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। टेरेस्ट्रियल प्लांट्स में तो रूट्स होते हैं, क्योंकि टेरेस्ट्रियल प्लांट की रूट बड़ी बड़ी होती है, जिसकी वजह से वो सॉइल में चली जाती हैं, ठीक है, सॉइल में जाती जाती हैं, जिसकी वजह से पानी एब्जॉर्ब होते जाता है। लेकिन जो एक्वाटिक प्लांट होते हैं उनको तो इतनी जरूरत होती नहीं है, तो वो क्यों करेंगे अपनी रूट्स को इतना लंबा, ठीक है। अदर मटेरियल लाइक नाइट्रोजन, मैंने आपको बताया था, ठीक है, अदर नाइट्रोजन मटेरियल कौन कौन से होते हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मैनी थिंग्स। ऑक्सीजन की भी जरूरत होती है नाइट में रेस्पिरेशन प्रोसेस में, वो भी तो रेस्पिरेशन करते हैं। नाइट्रोजन इज एन एसेंशियल एलिमेंट यूज्ड इन द सिंथेसाइजिंग ऑफ प्रोटीन एंड अदर कंपाउंड्स। अब देखिए
कंपाउंड्स मतलब कौन कौन से, मिनरल्स, विटामिन एंड अदर प्रोटीन्स, ठीक है, और इन सबको सिंथेसाइज करने के लिए क्या जरूरी होता है, नाइट्रोजन, ठीक है, मैंने क्या क्या बताया, सब चीज़ें लेते हैं, ठीक है ना, आप जो कुछ भी लिख दोगे सब सही माना जाएगा, ठीक है। आइए आगे पढ़ते हैं, दिस इज लास्ट पॉइंट, ठीक है, दिस इज नेक्स्ट, दिस इज टेकन अप, रुक जाइए, हाँ, दिस इज टेकन अप इन द फॉर्म ऑफ इनऑर्गेनिक नाइट्रेट्स और नाइट्रस, नाइट्रोजन प्रोसेस पढ़ी है, नाइट्रोजन साइकिल, उसमें क्या बताते हैं, नाइट्रोजन कभी भी अपने कंपाउंड में ही जाता है, हमेशा कभी भी अपने फुल फॉर्म में नहीं जाता, मतलब नाइट्रोजन में नहीं जाता, हमेशा क्या में जाता है, नाइट्रेट्स में, नाइट्रेस, नाइट्रस जो है उसका सेकेंड फॉर्म है, बट नाइट्रेट्स में वो हमेशा जाएगा। जो ल्यूमिनस प्लांट होते हैं उसमें क्या होता है, पहले से नोट्स में राइजो बैक्टीरिया होते हैं, बट इसमें जब जो प्लांट्स में नहीं होते उनको क्या की जरूरत होती है, एक तो मैनुअर की और एक फर्टिलाइजर की, उसमें हो जाते हैं, ठीक है, उनका काम नाउ, और इट इज टेकन अप बाय ऑर्गेनिक कंपाउंड विच हैव बीन प्रिपेयर्ड बाय बैक्टीरिया फ्रॉम एटमोसफियर नाइट्रोजन, ठीक है, बैक्टीरिया कुछ मतलब नाइट्रोजन साइकिल में आपने पढ़ा होगा ना कि कुछ जो बैक्टीरियाज होते हैं वो काय को चेंज कर देते हैं नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में, और जो कुछ बैक्टीरियाज होते हैं वो नाइट्रेट्स या फिर नाइट्रेट्स को काय में चेंज कर देते हैं नाइट्रोजन में, बहुत मेन है वो, ठीक है। नाउ हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, आइए जानते हैं हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है। जैसे कि मैंने आपको क्या क्या बताया था, दो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं, पहला ऑटोट्रॉप्स, ऑटोट्रॉप्स खत्म हो चुका है, बस उसमें प्लांट का ही पढ़ते हैं अपन, ठीक है, बाकी किसी का नहीं पढ़ते क्योंकि बाकी सबके तो ऐसे होते हैं, ठीक है, तो हम इसी का पढ़ेंगे, प्लांट का पढ़ चुके हैं, ठीक है। ऑटोट्रॉप्स जो होते हैं, मैं आपको पहले बता दूं, हेटरोट्रॉप्स जो होते हैं वो हमेशा काय पे डिपेंड होते हैं, ऑटोट्रॉप्स पे, ठीक है, और हमेशा जो हेटरोट्रॉपिक प्लांट्स होते हैं, सॉरी ऑटोट्रॉपिक्स जो प्लांट होते हैं वो हमेशा डिपेंड होते हैं ऑर्गेनिजम्स पे, मतलब पूरी दुनिया एक दूसरे पे डिपेंड है, बट खाने के लिए जो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है वो काय की मदद लेता है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की, मतलब अगर हम सीधे लाइट को ले सकते हैं क्या, लाइट को खा सकते हैं क्या, नहीं ना, हम हाइड्रोजन को सीधे खा सकते हैं, सेल्यूलोज को सीधे खा सकते हैं, नहीं ना, इसलिए हमको क्या की जरूरत होती है, प्लांट की जरूरत होती है, क्योंकि वो हमको सब देता है, कार्बोहाइड्रेट देता है, ग्लूकोज हम उसी से बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट से ही बनाते हैं, क्योंकि प्लांट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोहाइड्रेट होती है, और हाँ, हमेशा ये बात याद रखना कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी बॉडी में जरूरी हैं, अगर ये दो चीज़ नहीं होंगी ना तो हम जिंदा रह ही नहीं पाएंगे, बाकी सब चीज़ें भी जरूरी है, जैसे कि आयोडीन गोइटर हो जाएगा बीमारी का नाम, नेक्स्ट चैप्टर में काम आएगा, ठीक है, गोइटर बीमारी का नाम नेक्स्ट चैप्टर में काम आएगा, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो जब तक नहीं होगी तब तक ऑक्सीजन भी नहीं होगी, पहला जो कंपाउंड हमने माना था यूनिट मास निकालने के लिए वो भी क्या था, कार्बन था, याद है ना, क्योंकि कार्बन के कंपाउंड्स इस दुनिया में सबसे ज़्यादा होते हैं, ठीक है। आइए हम अपने टॉपिक पढ़ते हैं आगे, ठीक है। ईच ऑर्गेनिजम्स इज अडेप्टेड टू इट्स एनवायरमेंट, जैसे कि हम जानते हैं कि हमें एक एनवायरमेंट चाहिए होता है, हर किसी ने अपना अपना एक एनवायरमेंट बना के रखा है। द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन डिफर डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ टाइप एंड एबिलिटी ऑफ फूड मटेरियल एज वेल एज हाउ इट इज ऑब्टेन बाय द ऑर्गेनिजम्स, फॉर एग्जाम्पल वेदर फूड सोर्स इज स्टेशनरी मीन्स सच एज ग्रास और मोबाइल सच एज डियर वुड अलाउ फॉर डिफरेंस इन हाउ द ऑर्गेनिजम्स इज असेस्ड एंड what is the nutritive apparatus used by the by a cow and a lion, there is a range of strategy by which the food is taken in and used by the organisms. Some organisms break down the food material outside the body and take absorb it, example a fungi like bread moth, yeast and mushroom, other takes in whole material and break it down inside their body. मुझे पता समझ में नहीं आएगा, बहुत लंबा है, मैंने बहुत लंबा पढ़ दिया, लेकिन मैं समझाता हूँ कि करके सब चीज़ें, ठीक है। जैसे कि इसमें लिखा है कि जो न्यूट्रिशन होता है वो हम काय पे डिपेंड होता है, एक तो होता है टाइप पे और दूसरा काय पे अवेलेबिलिटी पे, ठीक है। अवेलेबिलिटी कैसी, जिससे हम अपना खाना जो है उसको ला सकें, जैसे कि हम अगर मान लीजिए हमारे पास कुछ नहीं डेजर्ट है तो हम खाएंगे क्या खाएंगे, हाँ, जैसे कि क्या मान लो उसने उस एनवायरनमेंट को अडॉप्ट कर लिया है, बट हमने तो नहीं किया ना, अगर हम उस एनवायरनमेंट में जाएंगे तो हम अपना खाना नहीं ले पाएंगे, बट अगर कैमल उस एनवायरनमेंट में जाएगा तो वो खाना ले सकता है, ठीक है। तो उसी तरह ज़रूरी रहता है हर एक एनवायरनमेंट में स्थिर रहना, बट हाँ, नहीं कर सकते हम लोग, हर एक एनवायरनमेंट नहीं रह सकते हम लोग, ठीक है,
इसलिए हम लोग क्या करते हैं, एक एनवायरनमेंट को चुन लेते हैं। जैसे कि कुछ कुछ लोग होते हैं वो ठंडी को बर्दाश्त कर सकते हैं लेकिन गर्मी को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते, उसी तरह, ठीक है। तो डिपेंड कहाँ पर होता है, अवेलेबिलिटी पे। अवेलेबिलिटी कैसी, जैसे कि सोशल साइंस में पढ़ा हुआ खाने की अवेलेबिलिटी, लेकिन हम उस अवेलेबिलिटी की बात नहीं कर रहे। जैसे कि पास में ही जंगल है तो वो होती है हमारी अवेलेबिलिटी, क्योंकि क्यों होती है वो अब मैं बताता हूँ, क्योंकि उसमें फूड होता है। अब अगर वो नहीं होगी तो हम फूड कैसे पाएंगे, नहीं पा पाएंगे हम फूड, उसकी वजह से ही हम फूड पाते हैं, ठीक है। और वो फूड कैसे आता है, प्लांट से, ठीक है। तो प्लांट हमेशा हमारे काम ही आएगा, अगर हम प्लांट्स को काटेंगे तो बहुत बुरी बात होती है, समझे कि नहीं, ठीक है। जैसे कि इसमें बताया था कि भले ही से फूड जो है वो स्टेशनरी ना हो, मतलब एक जगह स्थिर ना हो, कभी ख़त्म हो रहा हो कभी ज़्यादा पड़ रहा हो, लेकिन हाँ अगर ज़्यादा पड़ेगा तो हम स्टोर करना बहुत ज़रूरी हो जाता है ना, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए अभी हमारा जो स्टेशनरी फूड है वो ग्रास है, मतलब जो ग्रास है वो कभी भी कम नहीं पड़ेगी ना, हमेशा ज़्यादा ही, क्योंकि वो ज़्यादा अमाउंट में उग जाती है और जल्दी उग जाती है, इसलिए उसको स्टेशनरी मानते हैं। जैसे कि ग्रेन्स है उसको हम स्टेशनरी मानते हैं, और तो और मोबाइल भी मानते हैं, क्योंकि क्यों मानते हैं उसको ऐसा, क्योंकि वो हमेशा कभी कभार ज़्यादा भी हो जाती है और कभी कभार कम भी हो जाती है। डियर, अब डियर हमेशा अगर हम उसको खा लेंगे तो वो कम हो जाएगा, कम हो जाएगा कि नहीं, उसकी अवेलेबिलिटी जो है वो कम हो जाएगी। मान लीजिए 100 बियर हैं, हमने उन 100 को खा लिया तो हमारे पास 0 बचे, बट अगर हमने मान लीजिए 50 को खाया तो उसकी अवेलेबिलिटी बढ़ गई, बस यही चीज है। मोबाइल मतलब एक तरह से मैं आपको शुरू से बता देता हूँ, स्टेशनरी मतलब जो हमेशा रहे, अगर हम उसको आधा खा भी लें तो भी वो अपना जल्दी जल्दी ग्रोथ कर ले। लेकिन जो मोबाइल होते हैं वो अपना जल्दी जल्दी ग्रोथ नहीं कर पाते, उनको हमारे जैसी थोड़ी सी देर लगती है, ठीक है। वुड अलाउ फॉर डिफरेंस इन हाउ द फूड इज एक्सेस एंड व्हाट इज न्यूट्रिटिव अपैरेटस यूज्ड बाय द काउ एंड आवर लायन। देखिए जैसे कि हर एक एनिमल जो है वो अपने फूड को स्टोर करता है, मतलब उसका एक्सेस बना के रखता है एक तरह से, एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज नॉट गुड, ठीक है। लेकिन कुछ कुछ चीज़ों की एक्सेस बहुत ज़रूरी होती है, जैसे कि हम खाना स्टोर करके रखें तो वो बहुत ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। अब हम जान मतलब काव और लायन जो होते हैं, काव के पास 4 पेट होते हैं पता है, काव हमेशा अपना खाना पहले खाती है, मतलब पहले खाती जाती है फिर उसके पेट में जाता है, पहले पेट में जाता है फिर वापस से मुँह में आता है, फिर मुँह में वो सलाइवा बनाती है, उसको एकदम सिंपलर फॉर्म में कर देती है चबा चबा के, देन फिर अंदर लेती है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, वैसे आगे कुछ नहीं है, ज़्यादा कुछ नहीं है। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं। अगर आपको पढ़ना हो फिर भी मैं बता देता हूँ, कहाँ से बताता हूँ मैं बताता हूँ आप लोगों को, रुक जाइए मैं उस प्लान भी खींच देता हूँ मैं कहाँ से बता रहा हूँ। हाँ तो मैं बताने जा रहा हूँ अब आपको जहाँ से मेन होगा, यहाँ से बता रहा हूँ, ठीक है ठीक है। कहाँ से बता रहा हूँ मैं, व्हाट कैन बी टेक इन द इन एंड ब्रेक डाउन डिपेंड्स ऑन द बॉडी डिज़ाइन एंड फंक्शन। मान लीजिए हम हैं ऑर्गेनिज्म से, हम क्या है मल्टी सेलुलर, काव क्या है मल्टी सेलुलर, बट अमीबा जो है, अमीबा का जो साइज है वो सिंगल यूनिसेलुलर है, ठीक है। तो उसका जो मोड होगा खाने का, मतलब जो वो खाएगा वो अलग तरीके से होगा, और हमारा जो होगा वो अलग तरीके से होगा। जैसे कि हम अपने हाथों से खाते हैं, हम अपने हाथों से खाते हैं, ठीक है। लेकिन अमीबा जो है क्या वो अपने हाथों से खा सकता है, नहीं। काव जो है वो अपने हाथों से खा सकती है, नहीं, ठीक है। एक तरीके से इसका मतलब ये भी होता है कि जो ब्रेकडाउन होता है फूड का वो हर एक एनिमल्स में अलग अलग तरीके से होता है। जैसे कि हमारी बॉडी में ब्रेकडाउन अंदर जाके होता है, बट अमीबा की बॉडी में ब्रेकडाउन बाहर से होता है, क्योंकि वो सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स है। तो एक्सटर्नल मान लीजिए अमीबा है, ठीक है, अमीबा के पास में यहाँ पे खाना है, ठीक है, वो ऐसे जाएगा और खाने को पहले पूरी तरीके से घेर लेगा ऐसे करके, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए खाना है, वो पहले पूरे तरीके से घेरेगा, ठीक है। लेकिन हम ऐसा करते हैं क्या, नहीं ना, हम ऐसा बिल्कुल नहीं करते, ठीक है। अगर हम ऐसा करके खाएंगे, ऐसा करके मान लीजिए हम खा गए, ठीक है, तो कैसे खा सकते हैं, नहीं खा सकते ना। पैरासिटिक न्यूट्रिटिव स्ट्रेटेजी इज यूज बाय अ वाइड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स लाइक कैस्क्यूटाटिक लीच एंड टैप वॉर्म। एक तरीके से मैं बता दूँ, होस्ट जैसे क्या खाते हैं अपना खाना प्लांट के ऊपर जाके, वैसे ही लीच जो होती है ये सब जो होते हैं वो अपना खाना किसी चीज़ के ऊपर किसी और की मदद से खाते हैं। हाँ, और जैसे कि इन सबको क्या कहते हैं, पैरासिटिक इनको क्यों कहा गया, क्योंकि इनकी वजह से जो बाकी ऑर्गेनिजम्स जैसे कि हम खाते हैं तो उसकी वजह से प्लांट जो है उनकी डेथ हो रही है, लीफ की डेथ हो रही है, लीफ के जो सेल्स हैं उसकी डेथ हो रही है। बट ये लोग जब खाना खाते हैं ना तो उनकी डेथ नहीं होती, बताऊँ क्यों, क्योंकि मान लीजिए हमारे ऊपर एक लीच आई है, ठीक है, तो इससे हम मर नहीं रहे, बट हमारा जो एरिया है वो इससे खून निकाल रही है,
खून निकाल लिया मतलब उसका फूड निकाल लिया है। अब अगर वो अपना फूड निकाल लिए तो हमारे को वो नुकसान नहीं पहुँचाएगी, उस मेम्ब्रेन को भले से वो काट दे लेकिन हमको उससे नुकसान कुछ नहीं होगा। अब मान लीजिए प्लांट है, ठीक है, इसके ऊपर होस्ट आई तो वो प्लांट के जितने भी न्यूट्रिशन प्लांट खाएगा उसको लेगी, ना कि प्लांट को खाएगी, ठीक है, वो प्लांट के न्यूट्रिशन को खाएगी, प्लांट जो एनर्जी बना रहा है उसको अपने अंदर लेगी, ठीक है। कस्कूटा भी ऐसी कहता है, कस्कूटा इज अ पैरासाइट, पैरासाइट जो होते हैं वो एक दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर जाते हैं और उसको खा लेते हैं, ठीक है, जैसे कि आपने पैरासाइटिक एनिमल्स पढ़े होंगे, ठीक है। नाउ हम आगे बढ़ते हैं, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन, आइए आज हम अमीबा के बारे में पढ़ते हैं, इसके बाद हम अपना सेशन खत्म कर देंगे, ठीक है। हम अमीबा के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, मैं पहले बता देता हूँ अमीबा के बारे में, हाँ ठीक है, मैं डायग्राम इतना छोटा कर लेता हूँ, हाँ ये अमीबा दिख रहा है, दो मिनट, अब मैं अपनी पेंसिल लेता हूँ, मेरी पेंसिल से कोई नहीं बच सकता, ठीक है, दो मिनट, हाँ ठीक है। अब ये जो फूड मॉलिक्यूल्स है, मतलब ये जो लाल कलर से बनाया गया है, ठीक है, ये है ना, मान लीजिए ये अमीबा है, ठीक है, मान लीजिए ये अमीबा है, ये कहाँ जा रहा है, इस फूड के पास जा रहा है, ठीक है, मान लीजिए इसको ये फूड दिखा, अमीबा को ये फूड दिखा, अमीबा कहाँ है, ये है ना अमीबा, अमीबा को क्या दिखा, एक फूड दिखा, क्या दिखा, फूड दिखा, दो मिनट, हाँ मैं छोटा सा बनाता हूँ, मान लीजिए यहाँ पे एक फूड है, ठीक है, और यहाँ पे एक फूड है, मैं फिर से बता देता हूँ, यहाँ पे एक फूड है, ठीक है, बड़ा सा फूड है ये, बड़ा सा, ठीक है ना। मैंने आपको पहले बताया था कि कुछ लोग एक्सटर्नल से लेते हैं अपना फूड, ठीक है, एक्सटर्नल से खाते हैं, ठीक है, एक्सटर्नल से जब कोई फूड खाएगा तो वो अपने बाहर का सूडोपोडिया मतलब जो शेप है उसको चेंज करेगा, तो ये भी वही करता है, अपने शेप को चेंज कर लेता है, शेप चेंज करना जानते हो कैसे करता है, ऐसे जैसे इस डायग्राम में बताया गया है, इस डायग्राम में बताया गया है, शेप चेंज कर रहा है, धीरे धीरे क्या कर रहा है, घेर रहा है, क्या कर रहा है, घेर रहा है, ठीक है। अब मान लीजिए फूड को उसने पूरा तरीके से घेर लिया, अब उस फूड को वो खा रहा है, पूरी तरीके से खा रहा है, ठीक है, उसके ऊपर प्रेशर लगा रहा है, उसके जो एंजाइम्स हैं जो मैंने पहले बताए थे, एंजाइम्स जो है ना वो उसको कवर कर रहे हैं, एक तरीके से उसको डाइजेस्ट कर रहे हैं, एंजाइम्स जो उसको बदल रहे हैं खाने में, खाने लायक चीज़ में बदल रहे हैं उसको, ठीक है। देन जैसे ही खाना बन जाता है वो पूरी तरीके से निकल लेता है, और वैक्यूल में, जैसे कि मान लीजिए स्टोर हुई एनर्जी तो वो कहाँ चली जाती है, वैक्यूल में, कभी और जो वेस्ट होते हैं वेस्ट भी वैक्यूल में जाते हैं, सोचिए एक जगह वैक्यूल में काम की चीज़ें भी जा रही हैं और दूसरी बिना काम की चीज़ें भी जा रही हैं। मैं आपको फिर से शुरू से बताऊँगा अभी एक अपना डायग्राम बना के, ठीक है, आइए हम अपने डायग्राम से पढ़ते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ बता रहा हूँ, ठीक है, दो मिनट, यहाँ पे मान लीजिए ये अमीबा है, ठीक है, ये अमीबा है मेरा, ठीक है, ये मेरा अमीबा हड्डी जैसा, ठीक है, मान लीजिए ये उसका न्यूक्लियस है, मान लीजिए ये उसका न्यूक्लियस है, ठीक है, न्यूक्लियस है ये, मान लिया, मान लो भाई, मान लो न्यूक्लियस है, ठीक है, और ये उसका वैक्यूल है, ठीक है, वैक्यूल है, ठीक है, पीले कलर का जो है वो वैक्यूल है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, यहाँ पे ग्रीन कलर का खाना दिखा, क्या दिखा, ग्रीन कलर का खाना, ग्रीन कलर का खाना मतलब क्या, प्लांट, ठीक है, प्लांट दिखा इसको, प्लांट की एक लीफ दिखी, लीफ का भी एक छोटा सा पत्ता दिखा, ठीक है। अब क्या करेगा, ये अपना शेप बदलेगा, शेप बदलेगा मतलब क्या करेगा, अपनी इसको तोड़ेगा, इसको भी तोड़ेगा, ठीक है, और इसको भी तोड़ेगा। अब क्या करेगा, अपनी जो सेल बॉडी है उसको यहाँ से बढ़ाएगा, सबसे पहले तो ऐसे करेगा, ऐसे करके यहाँ से ले जाएगा और इसको पूरी तरीके से घेर लेगा, ठीक है, ऐसे करके घेर लेगा इसको पूरी तरीके से। अब अगर मान लीजिए इसने इसको घेर लिया, रुक जाइए मैं एक और अच्छे से बताता हूँ, हाँ इसको ऐसे करके घेर लिया, इसके पास में एक वैक्यूल बन गया, ठीक है, ये जो दो मिनट में इसके ऊपर एक बार बता देता हूँ, ये जो है मान लीजिए ये जिस पे मैंने अभी पीली डॉट चलाई ना, ये जो है ये आपका बन गया क्या, एक तरीके से गोल, इसके अंदर यहाँ पे खाना है, ठीक है। अब ये एग्जाम्स जो है, एग्जाम्स काले कलर से बना देता हूँ, ठीक है, एग्जाम्स जो है वो इसकी तरफ धीरे धीरे क्या करेंगे, जाएंगे, जैसे जाएंगे एग्जाम्स
वैसे ही क्या करेंगे, एग्जाम्स उसको एब्जॉर्ब करना चालू करेंगे, उसको ख़त्म करना चालू करेंगे, ठीक है, एग्जाम्स उसको मारना चालू करेंगे एक तरीके से। सोचिए वो मार रहा है, सोचिए मार रहा है, एग्ज़ाम्स जो है खाने को चबा रहे, चबा रहे, ठीक है, एग्ज़ाम्स चबा रहे उसको, ठीक है। अब खाना धीरे धीरे क्या होगा, खाना धीरे धीरे क्या होगा, ख़त्म ख़त्म, ठीक है, खाना धीरे धीरे ख़त्म होगा तो एग्ज़ाम्स भी अपना काम करके चले जाएंगे और सेल फिर से कैसा बन जाएगा, अपनी स्टार्टिंग शेप जैसा, मतलब कैसा, फिर से बस ऐसा करके ऐसा ख़त्म, ठीक है, ऐसा बन जाएगा सेल। अब खाने का मान लीजिए वेस्ट हो गया, खाना क्या हो गया, थोड़ा सा मतलब खाने में वेस्ट भी आया, ठीक है, खाने के साथ साथ क्या आ गया, वेस्ट, वेस्ट के साथ काले कलर का होता है ना, तो काले कलर से वेस्ट बनाते हैं, मान लीजिए वेस्ट आया, ठीक है, इतना वेस्ट आया, ठीक है, इतना वेस्ट आया तो वेस्ट कहाँ चला गया, वैक्यूल में, वैक्यूल ब्लू कलर से बना देता हूँ, ठीक है, वैक्यूल कैसे चला गया, ब्लू कलर से, ठीक है, मान लीजिए इतना बड़ा हो गया अभी वैक्यूल, ठीक है, मतलब इतना सारा काला काला आ गया उसमें, काला काला आ गया, ठीक है, इतना सारा काला काला आ गया, मान लीजिए पूरा जो चीज़ है ना एसी से भरी अभी, ठीक है ना, और मान लीजिए उसने दूसरा खाना खा लिया, ठीक है, दूसरा खाना खा लिया और भर गया वैक्यूल, और क्योंकि कचरा गया, अब जैसे ही वैक्यूल धीरे धीरे भरता जाएगा वैसे वो यहाँ पे साइड में, मतलब मैं प्रेशर बता देता हूँ ग्रीन कलर से, ठीक है, यहाँ पे इसकी सेल वॉल पे, ये जो बनाया है सेल वॉल पे क्या करेगा, प्रेशर लगाएगा, ठीक है, अब प्रेशर लगाएगा क्योंकि उसका वेट बढ़ गया, वो पूरी सेल को ख़त्म करने वाला है, तो मान लीजिए ये वॉल पे प्रेशर लगा रहा है, ठीक है, तो धीरे धीरे क्या होगी, वॉल जो है वो टूट जाएगी, मतलब फट जाएगी एक तरीके से, हट जाएगी रास्ते से उसके, ठीक है, रास्ते से मान लीजिए ऐसे करके हट गई सेल वॉल, अब जो खाना है मतलब जो वेस्ट है वो कैसा आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, ठीक है, मान लीजिए जो काले कलर का जो वेस्ट था अब पूरी सेल जो है वो फट गई है एक तरीके से, सेल ऐसी हो गई है, खाना यहाँ से क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, खाना नहीं मतलब वेस्ट आ जाएगा बाहर, ठीक है, खाने का जो वेस्ट है वो बाहर आ गया, अब अंदर का सेल जो है वैक्यूल जो है वो फिर से कैसा हो गया, अब सेल इसके बाद मतलब वेस्ट निकलने के बाद में कैसा हो गया, मैं बना के बताता हूँ कैसा हो गया सेल, बनाता हूँ, अब सेल कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा फिर से, ऐसा हो जाएगा, और सेल फिर से कैसा हो जाएगा, ऐसा, और जो अभी जो वैक्यूल हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, ऐसा, क्योंकि देखिए उसने अपना काम कर दिया, ठीक है, वैक्यूल ने अपना काम कर दिया, पूरा वेस्ट जो है वो बाहर फेंक दिया वैक्यूल ने, अंदर कुछ नहीं बचा, इसलिए वो छोटा हो गया फिर से, ठीक है, आज के लिए इतने काफ़ी है, मिलते हैं अगले सेशन में, और मेरी वीडियो को अगर आपको पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, एंड हार्ड टू सरल के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कीजिएगा, और शेयर अगर आपको पसंद आई हो और आपको भाइयों को भी भेजनी हो अपने, या फिर किसी रिश्तेदार को, या फिर किसी को भी भेजनी हो तो बेझिझक भेज दीजिएगा, ठीक है, थैंक यू, आज के लिए इतने ही, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मैं प्लीज़ 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 रिक्वेस्ट करता हूँ कि लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब भी कीजिएगा हमारे चैनल्स को, एंड मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया है, ये मत कहना कि मैंने अच्छे से नहीं समझाया, मैंने हर एक चीज़ समझाई है, और आपकी NCERT और NTSC के लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा ही मेन है, ठीक है, आपको ये पूरी चीज़ काम आएगी बहुत, और अगले सेशन में मैं इसके आगे कल के आऊँगा, और अगले सेशन में हम पढ़ेंगे कि ह्यूमंस में कैसे होता है, आप लोग अभी तक तो दूसरे के बारे में पढ़ रहे थे, बट अब ह्यूमंस में कैसे होता है, ह्यूमंस जो है ना वो भी हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का ही कहते हैं, ठीक है, क्योंकि हम खुद से तो खाना बनाते नहीं है, इसलिए वो इसी से कहते हैं, ठीक है, शास्त्रीय काल, नमस्ते, बाय बाय, टेक केयर ऑफ यू इन दिस लॉकडाउन, और कभी भी कोई घर से बाहर मत निकलेगा, सिर्फ हमारी वीडियो देखिएगा, ठीक है, तो आइए हम आपसे विदा लेते हैं, बाय बाय, नमस्कार, शास्त्रीय काल पाजी, ठीक है, बाय बाय।